देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। कासगंज मामले पर बीजेपी एमएलए कपिल देव अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि योगी को मुख्यमंत्री बनने और उनसे पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 125 करोड़ भारतीयों को, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ भारतीयों को सबका साथ सबका विकास करने में बीजेपी सरकार काम कर रही है। जहां तिरंगा यात्रा निकल रही है उसका सम्मान करने के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाजपा विधायक ने उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं तो पाकिस्तान जाकर रहें, और अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो जबरदस्ती ट्रेनों में भरकर उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय और भारत जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनका अस्तित्व यहाँ खतरे में है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी भी कुछ सिरफिरे लोग सिर उठाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 125 करोड़ भारतीयों को और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ भारतीयों को सबका साथ सबका विकास लेकर के दोनों सरकारें काम कर रही हैं। तिरंगा यात्रा निकल रही है भैया, उसका सम्मान करने के कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना था वे लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, और अभी भी कुछ सिर्फ लोग हिंदुस्तान में बचे हैं। मेरी उनको चेतावनी है, अगर उनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ही लगाने हैं तो पाकिस्तान जाकर रहें, और वो नहीं रहना चाहते तो जबरदस्ती उनको ट्रेनों में भर करके पाकिस्तान भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में रह के भारत माता की जय और भारत माता जिंदाबाद का ही नारा लगाना पड़ेगा, वरना उनका अस्तित्व यह खतरे में है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।